नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड जॉब्स में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी आपके ऑफलाइन या ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं या उनके बाद में एनालाइज करके कट ऑफ या उनकी जो रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, उन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको उचित टाइम पर जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, उसी तरह आज हम चर्चा करेंगे जो मुख्यमंत्री साहब, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने HSC की जो परीक्षाएं हैं उनकी एग्ज़ाम डेट के बारे में और HSC CET के बारे में चर्चा की है। उससे पहले हम आगे अपने टॉपिक पर बात करें, आप देख लेते हैं आज मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या बात की है। किसान जो खेती खुद करता है वो किसान है। नौकरियों के लिए खास करके ग्रुप सी और डी, इसमें मल्टीपल जितनी भी डिमांड आती रहती है, हर डिमांड के साथ उसकी जो फॉर्म भरते थे और उसमें साल भर में कई बार एग्जाम देना, हर एग्जाम के लिए पोस्टिंग कितनी भी हो, लाखों लोग लाइन में लगते थे, एग्जाम देते थे, तो हमने उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये शुरू किया है और एक एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका एक प्रावधान किया है जो अब अगले इस वर्ष से शुरू होने वाला है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, उसकी अंतिम तिथि अभी हमने 31 मार्च रखी हुई थी, लेकिन आज मैं उसकी घोषणा कर रहा हूँ कि वो 31 मई हमने कर दी है, तो मैंने और बढ़ा दिया है। अभी तक आंकड़ा जो बताया जा रहा है मुझे, 4,59,521 कैंडिडेट ने अपने फॉर्म भर दिए, जिसमें से 3,20,000 हरियाणा के रेजिडेंट्स हैं और कुछ ऐसे जिन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि हरियाणा के हैं बाहर के हैं, 1,36,000 ऐसे हैं, हो सकता है ये भी हरियाणा के हो या बाहर के हो, लेकिन जिन्होंने स्पेसिफाई किया है 3,20,000 है। हम इसके साथ परिवार पहचान पत्र भी जोड़ने वाले हैं ताकि उससे ये सुनिश्चित हो जाएगा जुड़ लिया। इसके बगैर तो नहीं कर रहे हैं, अभी वो 1,36,000 जो ऐसे ही है। तो जो हरियाणा का दिखाएगा वो परिवार पहचान पत्र जरूर दिखाएगा, जो हरियाणा का नहीं दिखाएगा वो अभी उसके बिना भी रजिस्टर कर सकता है, क्योंकि हम संवैधानिक तौर पर उसको मना नहीं कर सकते, तो रजिस्ट्रेशन तो वो भी कराएगा। 31 मई, 2 महीने और बढ़ेंगे, क्योंकि अभी सारा ये जो एग्जाम होंगे वो मई के बाद ही होंगे, 3 महीने तो अभी हमने जो एजेंसी हायर करनी है एग्जाम के लिए और सारे सिस्टम के लिए, उसको 3 महीने का टाइम चाहिए, वो अभी हम करने वाले हैं ताकि 3 महीने उसमें लगेंगे और उसके बाद फिर जून के बाद फिर इस बीच में जो नए रिजल्ट्स भी लोगों के आ जाएंगे वो भी इसमें जोड़ पाएंगे मई तक। ऐसे ही ये जो IAS HCS जो कुछ सीटें मुख्यमंत्री की मुट्ठी में होती थी, हमने वो खोल दी। हमने कहा भाई हमको अपने कोई अपने हाथ से किसी को ना IAS बनाना ना SCS बनाना, आओ जो योग्यता रखते हैं उनका एग्जाम होगा, उसमें जो मेरिट में आएंगे उस मेरिट के बाद जो प्रोसीजर होगा उससे वो बनेंगे। और इसमें HCS तो आपको पता है एक खेप बन चुकी है, IAS भी एग्जाम होकर के उसकी एक लिस्ट UPSC में जा चुकी है, उनका प्रोसीजर है, वो जिनको सेलेक्ट करके भेजेंगे उनको सेलेक्ट कराएंगे। तो ये भी तो दोस्तों ये बात तो कन्फर्म हो गई है कि मुख्यमंत्री के बयान के अकॉर्डिंग कि जून तक तो आपका कोई एग्जाम होगा नहीं, तो जो भी आपका HSC ग्राम सचिव कैनल पटवारी या हरियाणा पुलिस का था उसका एग्ज़ाम आपका जून के बाद ही होगा, जून से पहले आपका किसी का एग्ज़ाम नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री जी ने बता दी है। तो दोस्तों अब बात करें CET की, तो CET का 31 मई तक लास्ट डेट है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके एग्ज़ाम होने में टाइम लगेगा, उसका फिक्स नहीं है कि एग्ज़ाम कब तक होगा, क्योंकि 31 मई के बाद क्या पता एक और डेट मिल जाए एक्सटेंड होकर कि आप और फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म में जहाँ तक पूरे हरियाणा वाले बच्चों का फॉर्म भरवाएंगे और भरेंगे भी, सभी बच्चे फॉर्म भरेंगे, क्योंकि सबको पता कि अब जो भी आगामी हरियाणा की भर्ती होंगी वो CET के बेस पर ही होगी, चाहे वो यूनिवर्सिटी में निकले हरियाणा में या डायरेक्ट ग्रुप सी या डी की निकले, वो CET के माध्यम से ही भर्ती होंगी। तो दोस्तों मुझे ये जानकारी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।